श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई और उनकी मृत्यु में कैसे हनुमान जी सबसे बड़े बाधा थे। जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान अपने जन्म से पहले ही अपने मृत्यु की तारीख यमलोक में निश्चित करके आता है, उसी तरह इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय था। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी मृत्यु का वर्णन करके अपने लोक वापस लौटना पड़ता था। हम आपको भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में बता चुके हैं, अब हम इनके बारे में बताएंगे, भगवान श्री राम के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री राम कैसे इस इहलोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम की मृत्यु के वर्णन में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की हिम्मत नहीं थी कि वह राम के पास पहुंच जाए, पर स्वयं श्री राम से इसका हल निकाला, श्री राम जी ने स्वयं हल निकाला इसका। आइए मैं आपको वही हल आपको बताने जा रहा हूं। एक दिन राम जान गया कि उनके मृत्यु का समय हो गया था। वो जानते थे कि जो जन्म लेते हैं उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए वैकुंठ मेरे स्वर्गीय धाम जाने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करके बिल्कुल भवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वसुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वसुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था, और कहा, यहां आपको राम की अंगूठी अवश्य मिल जाएगी, वसुकी ने कहा। हनुमान सोच में पड़ गए कि कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यह तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक जैसी ही थी। इसका क्या मतलब हुआ, वो सोच में पड़ गए। वसुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि और विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के चार युग या चार भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही है अंगूठी का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं, अंगूठियां गिरती रही और इनका ढेर बड़ा होता चला गया। भविष्य के रामों की अंगूठिया के लिए भी यहां काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता है। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। और उधर राम सरयू नदी में जाकर समाधि लेते हैं। तो ये थे राम की मृत्यु की कहानी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।